हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे ही मैंने आज देखा कि आज बारिश होगी, फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म कर दिया। खाना तो सुबह ही बना दिया था और बर्तन पड़े थे वो भी मैंने बर्तन भी बहुत जल्दी साफ कर दिए, क्योंकि जब बारिश में नहाकर भीग कर आते हैं तो फिर घर का काम अच्छा ही नहीं लगता, करने में नहीं आता। तो फिर अब फुर्सत से नहाएंगे बारिश में। बादल तो बहुत तेज है, छोटी छोटी सी बूंद जैसी पड़ रही है। मैं बस भारी बारिश की इंतजार कर रही हूँ कि बहुत तेज वाली आ जाए और जब मैं जाऊँ छत पर ऊपर और फिर नहाऊँ, क्योंकि ना बारिश में नहीं नहाया तो फिर क्या है, मतलब क्या ही जिंदगी है। मैं तो ना, और नहाने के बहाने एक काम और हो जाएगा मेरा कि छत की सफाई नहीं हुई है बहुत दिन से होनी हुई है। ये समझ लो होली से नहीं हुई है, होली पे करी थी मैंने छत की सफाई, तब से नहीं हुई है, तो वो भी हो जाएगी। मेरा नहाना बारिश में नहाना हो जाएगा और छत की सफाई हो जाएगी। तो बस इंतजार है कि अब बारिश शुरू हो जाए बस। और दोपहर के 12 बज चुके हैं, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और ना मैंने नहाया। इसीलिए नहीं नहाया कि सुबह से ही मुझे लग रहा था कि आज बारिश होगी और मैं बस उसका इंतजार कर रही हूँ। तो मुझे भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, अब भूख की वजह से अगर मैं थकान महसूस ना करूं इसीलिए सोच रही हूँ आम खा लो बस। तो खा लेते हैं आम, ठंडे ठंडे आम। इतना धोखा तो कोई धोखा देने वाला नहीं देता जितना आज इस मौसम ने और इस बादल ने दिया है। सच्ची सुबह से लग रहा था अब बरसा। सुबह मैंने ना बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म करा कि कहीं बारिश निकल ना जाए और मैं रह ना जाऊं। और फिर मैंने इंतजार करते करते और अपना नहाना धोना भी कर लिया, खाना वाना भी खा लिया और बारिश नहीं आई है। अब हंसी तो बहुत आ रही होगी ना। अगर नहीं आ रही होगी ना तो मैं आवाज लगा दूंगी हंसी की यहाँ पे, क्योंकि खुद मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है। हंसी तो आ रही है, तो आती है शाम से बैठे अभी। ज्योति बोल रही है कि हंसी क्यों आ रही है, नहा तो लिया ना आपने। नहीं, मैंने बारिश में नहाना था इसलिए, मुझे अपने ऊपर इसलिए हंसी आ रही है। तुझे नहीं पता मैंने सुबह से कितनी जल्दी काम खत्म करा है। ये तो पता है मैंने बारिश के लिए इतनी जल्दी जल्दी काम खत्म करा कि मैं बारिश में नहाऊंगी। चलो चलो कोई बात नहीं, अब जब तैयार हो ही गए हैं तो अब आपको ले चलते हैं स्मार्ट बाजार। हमारे यहाँ स्मार्ट हाथरस में, हमारे यहाँ मतलब हाथरस में स्मार्ट बाजार बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, जो मैंने एक वीडियो में दिखाया था, अभी हाल ही की वीडियो में दिखाया था, सोमू बोल रही थी मम्मी चलो इसमें, तब वो खुला नहीं था, मतलब उसकी ओपनिंग नहीं हुई थी, आज उसकी ओपनिंग है। अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो आज चलते हैं। और वो पर्चा वर्चा जो बटते ना वो बटा था, तो बोल के गए थे कि 29 तारीख को ये शुरू हो जाएगा, आप लोग ज़रूर आइएगा। तो कुछ छूट वूट भी है तो आज ही चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हाथरस का स्मार्ट बाजार। स्मार्ट बाजार पहली बार हाथरस में पहली बार खुला है। पहले था यहाँ पर इजी डे, वो बंद हो गया तो उससे ना बहुत परेशानी हुई है लोगों को भी, हमारे हाथरस के शहर के लोगों को बहुत परेशानी हुई है, मुझे भी परेशानी हुई है, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए एक दुकान पे जाओ फिर दूसरी पे जाओ, नहीं मिलती ना तो चार चार दुकानों पर पूछना पड़ता है, घूमना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। और ये इजी डे और ये स्मार्ट बाजार ऐसी जगह होती है कि एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपने हाथरस का स्मार्ट बाजार। चलो हो गए तैयार, ईसु तैयार, तो चलो चलते हैं, पकड़ो। ईसु और ज्योति जाते हुए स्मार्ट बाजार मेरे साथ, और सोमू जाना चाह रही थी, सोमू है नहीं है, सोमू चली गई है। घर से हम लोग टहलते टहलते ही स्मार्ट बाजार तक आ गए, क्योंकि ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है।
बस टहलते टहलते आ जाओ और शॉपिंग करके चले जाओ। तो आज ये इसकी ओपनिंग हुई है, तो आज भीड़ तो इतनी भयानक थी, ये देख लीजिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक ही बाइक खड़ी हुई हैं, और मतलब बहुत हद से ज़्यादा भीड़ हो गई थी आज तो। और ये देखिए सजा वजा करके बहुत अच्छा सा इन्होंने ओपनिंग करी है। यहाँ पर म्यूजिक व्यूजिक चल रहा था और कोई सिंगर भी थे, वो गाना वाना गा रहे थे, और यहाँ ये फूलों से डेकोरेट कर रखा था, सजा रखा था। फिर हम लोग अंदर गए और अंदर भी इतनी ज़्यादा भीड़ मिली कि अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूँ, कि बस भीड़ मिली थी ना, तो इसीलिए मैं भीड़ ही भीड़ बोल रही हूँ। हमारे हाथरस में ये पहली बार स्मार्ट बाज़ार खुला है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी भी हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे ना बड़े बड़े शहरों में मॉल होते हैं ना, वही अनुभव यहाँ पर आ रहा था। ये स्मार्ट बाज़ार में ना सब कुछ था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत भीड़ है, आज शॉपिंग करना मुश्किल लग रहा है। घर से तो सोच कर निकले थे कि ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, लेकिन भीड़ को देखते ही हम लोगों ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। ज्योति ने भी बोल दिया कि मम्मी आज कुछ नहीं लेना, बस आज देख लो और फिर वापस जल्दी से घर चलते हैं। तो हमने बस आज देखा ही कि यहाँ पर है क्या क्या, और जल्दी से हम लोग ना बाहर निकलने के लिए बस निकल लिए मतलब। और मैं आपको बता दूं, आज हमने लेना तो बहुत कुछ था, घर से बहुत कुछ सोच के आए थे कि ये लाएंगे ये लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं लिया आज हमने, कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पर सभी तरह के तेल रखे हुए हैं, और फिर यहाँ पर हैं अपनी हरी भरी ताज़ा तरी सब्जियाँ और फल हैं। ये देखो खुत्ती की फली, मतलब ग्वार की फली बोलते हैं इसके, ग्वार लिखा हुआ है, ग्वार की फली। कद्दू भी है, बैंगन टमाटर सब, मतलब सब सारी सब्जियाँ भी यहाँ पर मिल रही थी, हरी मिर्च नींबू। और ये आम रखे हुए हैं, जो आजकल आमों का सीज़न चल रहा है ना, तो हरे हरे आम रखे हुए हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ होगा कौन से आम है, लंगड़ा लंगड़ा आम। आज मैं इस वीडियो में ज़्यादातर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वीडियो की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही, अच्छी आई नहीं है, क्योंकि मैंने माइक लगा रखा था, तो वो माइक ज़्यादा अच्छी आवाज़ दे नहीं रहा था। नीचे तो देख लिया, अब हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, ऊपर भी बहुत सुंदर है। आपको सुनाने के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी बीच में ये आवाज़ लगाई है, तो कितनी इरिटेटिंग लग रही है, मुझे तो बहुत इरिटेट कर रही है, आपको भी ख़राब लग रही होगी, इसलिए मैंने ज़्यादातर वीडियो को म्यूट कर दिया है फिर। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूँ, माइक ने भी बहुत धोखा दे दिया था, माइक भी बंद हो गया था, और मुझे पता नहीं वो कब बंद हो गया, जब मैंने घर पर आकर वीडियो चेक करी तो वो आवाज़ ही नहीं थी। फिर मुझे भी ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि आवाज़ अच्छी आई नहीं रही है, जितनी भी वीडियो में आई है उनमें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी आई है। तो अब ऊपर आ गए हम, तो ऊपर भी बहुत सुंदर कपड़े थे, बर्तन थे, मतलब सारे आइटम यहाँ पर मिल रहे थे, तो ये बहुत अच्छा बना है और बहुत ये सुविधाजनक भी है। सुविधा के साथ साथ यहाँ पर क्वालिटी भी है, हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर रखी गई है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और आइटम के दाम भी ज़्यादा हाई फाई नहीं रखे गए हैं, बहुत लिमिट में हैं, जो बाज़ार से मतलब सस्ते ही रखे गए हैं यहाँ पर। तो ये मुझे कुल मिलाकर बहुत अच्छी जगह लगी और बहुत अच्छा ये स्मार्ट बाज़ार लगा। आइए एक बार ज़रूर देखिए। अब हम स्मार्ट बाज़ार से बाहर निकल आए हैं
और इसमें मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि माइक बंद हो चुका है और मेरी आवाज़ गायब हो चुकी है। तो बस इतना अंदाज़ा है कि हम ना गोलगप्पे पानी पूरी खाने के लिए जा रहे हैं, तो मैं वही बता रही हूँ यहाँ पर। और ये 5 पानी वाले जो गोलगप्पे होते हैं वही हम लोगों ने खाए हैं। फिर उसके बाद दोनों बच्चों को मैंगो शेक पिलाया। वहीं पर घूमता हुआ एक छोटा सा पप्पी आ गया कहीं से, तो दोनों बच्चों ने अपना अपना मैंगो शेक थोड़ा थोड़ा बचा करके उसको भी पिलाया। और यीशु ने तो उसको प्यार भी किया, मतलब कह रहा था कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, बेचारा कितना कमज़ोर है, इसको कुछ खिला दो। और ज्योति हमेशा सोचती है कि इसको एक बिस्किट की पैकेट रख के लेके चलूं और तब खिलाऊं, लेकिन चलते समय, घर से चलते समय हमेशा ज्योति भी भूल जाती है और मैं भी भूल जाती हूँ। और वहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं दिखाई दे रही थी जिससे इसको कुछ खिलाया जा सके, तो बस ये जूस था हम लोगों के पास, हमने वही इसको पिला दिया। थोड़ा ज्योति ने भी बचाया और थोड़ा यीशु ने भी बचाया और इसको पिलाया। और अभी घर पर आ चुके हैं और मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, और मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा है। माइक लगा हुआ है और मैं माइक के थ्रू बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी ना तब पता चला माइक तो काम ही नहीं कर रहा था। हाथ मुंह धोया, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी, और सोच रही थी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीते पीते इस वीडियो का एंड भी कर दूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ। लेकिन जब मैंने बाद में देखा अरे मेरी आवाज़ तो आई नहीं है, तो अब मैं सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर दूंगी, और क्या कर सकते हैं। फिर मैंने अभी चेक करा कि वीडियो कैसी होनी है, तो देखा तो आधी, हाँ करूंगी वॉइस ओवर ही करनी पड़ेगी, आधी क्लिप जो है वीडियो की उसमें माइक काम ही नहीं कर रहा। फिर मैंने इस माइक को चेक किया तो ये बंद पड़ा था, तो अब ये मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। और नहीं, मैं सोच रही थी ये माइक लगा के जा रही हूँ तो माइक से सारी आवाज आई होगी, अब पता नहीं कब तक ये माइक चला तब तक आवाज आई होगी, और उसके बाद आवाज नहीं आई है। माइक भी धोखा दे गया आज, मौसम ने धोखा दिया ही, माइक ने भी आज धोखा दे दिया मुझे।